धनतेरस का त्यौहार खास तौर पर धन लाभ के लिए जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि धन धान्य की कमी ना हो, पैसों की तंगी दूर हो, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। पर क्या आप धनतेरस और धनिये का कनेक्शन जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि धनतेरस के दिन धनिये से क्या खास उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपके जीवन में धन लाभ होता रहे, साथ ही आपके व्यापार में तरक्की हो? पूरी जानकारी के लिए लोकली टीम ने होशंगाबाद के ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक से बातचीत की। उन्होंने क्या क्या बताया, चलिए सुनते हैं। धनतेरस के दिन धनिये का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या कहें कि धनतेरस और धनिये का क्या कनेक्शन है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, दीपावली आने वाली है, 5 दिनों का यह पर्व धनतेरस के साथ प्रारंभ होता है। तो पहला ये जो दिन है, इस दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर की पूजन का बड़ा महत्व कहा गया है। तो भगवती लक्ष्मी को धनिया विशेष प्रिय है, खड़ा धना जिसको हम कहते हैं वह विशेष प्रिय है। इस दिन हमको कुबेर की और लक्ष्मी के पूजन करने के साथ साथ ही भगवती महालक्ष्मी को जो है गुड़ और खड़े धने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आपने ये तो जान लिया कि धनतेरस के दिन धनिये का क्या महत्व है, अब ये जानते हैं कि व्यापार के लिहाज से धनिये से क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपके कारोबार में तरक्की होती रहे। खड़े धने को हम भोग लगाते हैं, उसकी फिर बाद में हमको पीस करके पंजीरी बना करके गुड़ इत्यादि मिला करके सभी लोगों को प्रसादी के रूप में बांटना चाहिए। और थोड़ा सा खड़ा धना जो है वह बरकत के लिए हमारे गले में या हमारी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है। खड़े धने के साथ ही साथ गुड़, मजीठ, हल्दी गठान, कमल गटा, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सभी वस्तुएं जो है हमको एक पीले या लाल कपड़े में बांध करके पोल्ट्री बना करके लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात हमको इसको हमारे गले या तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे व्यापार में, हमारे कार्यस्थल पे जो भी हम कार्य करते हैं उन सभी में धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है। खास तौर पर धनतेरस पर धनवंतरी महाराज की पूजा की जाती है, पर क्या आपको ये मालूम है कि धनवंतरी कलश का क्या करना चाहिए? अगर नहीं तो सुनिए ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा। धनतेरस के दिन एक विशेष प्रयोग और है, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी जो है अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए हमें हमारे घर में, कार्यस्थल पर, हमारे ऑफिस में या कारखाने में धनवंतरी कलश को स्थापित करना चाहिए, जिसको हम वर्धनी कलश भी कहते हैं। इस वर्धनी कलश के अंदर चावल रखें, कुछ सोना या चांदी रखें, कमल गटा, खड़ा धना, धान की लाई, लौंग, इलायची, मरीट, गुड़ इत्यादि रख करके और एक नारियल में वस्त्र लपेट करके हमारे घर में, ऑफिस में, कार्यस्थल पर पूर्व या ईशान दिशा में रख करके प्रतिदिन इसको 1 वर्ष तक हमको पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण होने पर किसी ब्राह्मण को धनवंतरी कलश को दान करके नए धनवंतरी कलश की धनतेरस के दिन स्थापना करना चाहिए। यदि हमारे घर में या कार्यस्थल पर हम धनवंतरी कलश को स्थापित करते हैं तो निश्चित ही लक्ष्मी जी की सदैव हमारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। देश भर में धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ऐसे में आप भी धनतेरस पर धनिये का ये आसान और शुभ उपाय करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकली टीम।